सात समंदर पार पहुंची धोनी की वर्दी की हनक। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर को भी हुआ धोनी पर गर्व। धोनी की देशभक्ति को सल्यूट मैन ने किया सल्यूट। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। टीम इंडिया के महान खिलाड़ी और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर भले ही ना जा रहे हों, लेकिन इसके बावजूद धोनी भारत से लेकर वेस्टइंडीज तक छाए हुए हैं। धोनी के बारे में कहते हैं, वो मैदान में जितने खतरनाक बल्लेबाज और चतुर विकेट कीपर हैं, मैदान के बाहर उतने ही अच्छे और सादगी पसंद इंसान भी हैं। यही वजह है कि धोनी आसानी से हर किसी को अपना मुरीद बना लेते हैं। इस बार धोनी ने वेस्टइंडीज के क्रिकेटर को अपना फैन बना लिया है, वो भी क्रिकेट की वजह से नहीं बल्कि सेना की वर्दी की वजह से। ये वेस्टइंडीज क्रिकेटर है शेल्डन कॉटरेल। जी हाँ, 29 साल के इस गेंदबाज को आपने मैदान में जब भी विकेट लेते हुए देखा होगा तो आर्मी जवानों की तरह सल्यूट करते भी जरूर देखा होगा, जो दिखाता है शेल्डन को भी आर्मी कितनी पसंद है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर जब धोनी की आर्मी ड्रेस में वीडियो देखी तो शेल्डन को धोनी का अंदाज भाग गया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये व्यक्ति क्रिकेट के मैदान पर प्रेरणा है, लेकिन साथ ही वो देशभक्त भी है और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए समर्पित है। पिछले कुछ हफ्तों से साथियों के साथ जमैका में अपने घर में हूँ और इस दौरान चीजों के बारे में सोच विचार करने का समय मिला। शेल्डन ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर किया क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सम्मान को लेकर कैसा महसूस करता हूँ, लेकिन पत्नी और पति के बीच का लम्हा वास्तव में देश और जोड़ीदार के प्रति प्रेरणादायी प्यार को दर्शाता है। शेल्डन खुद भी सेना से जुड़े रहे हैं और विकेट लेने के बाद उनका सल्यूट करते हुए जश्न मनाने का अंदाज काफी लोकप्रिय है। यहाँ तक कि कॉटरेल ने अपना ट्विटर हैंडल भी @SalutCottrell रखा है। धोनी एक ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो टीम इंडिया की जर्सी में होते हैं तब भी लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं, और आर्मी की वर्दी में होते हैं तब भी सिर्फ भारत ही नहीं सात समुन्द्र पार दूर वेस्टइंडीज के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। धोनी की वर्दी पर उठे थे सवाल। अभी हाल ही में एक पत्रकार ने धोनी की वर्दी पर ही सवाल उठाते हुए कह दिया था कि उन्होंने सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सेना ज्वाइन की है। ये सवाल उठाया था पत्रकार मधु किशवर ने। उन्होंने आम्रपाली विवाद पर ट्वीट करते हुए लिखा था, धोनी गलत हैं अगर उन्हें लगता है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आर्मी ज्वाइन कर वो आम्रपाली के लुटेरों से अवैध लाभ के जरिए करोड़ों कमाने के अपराध बोध मिट जाएगा। धोनी के आर्मी ज्वाइन करने को भले ही फोटो अपॉर्चुनिटी बताया जा रहा हो, लेकिन धोनी को ये वर्दी क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों को दिखाते हुए साल 2011 में मिली थी, जब उन्हें प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। धोनी को मानद कमिश्नर दिया गया क्योंकि वो एक यूथ आइकॉन है और वो युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शेल्डन कॉटरेल भी हैं फौजी। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कॉटरेल खुद एक फौजी हैं। उन्होंने अपने सल्यूट सेलिब्रेशन के बारे में बताते हुए कहा था कि वो पेशे से फौजी हैं और वो ऐसा आर्मी के सम्मान में करते हैं। इस बारे में बताते हुए कॉटरेल ने कहा था, ये एक मिलिट्री स्टाइल का सल्यूट है, मैं पेशे से फौजी हूँ। सलामी देकर मैं सिर्फ जमैका डिफेंस फोर्स के लिए अपने सम्मान को दिखाता हूँ। जब भी मुझे विकेट मिलता है मैं सलामी देता हूँ। जब मैं आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था तो उस दौरान मैंने मार्च और सलामी की 6 महीने प्रैक्टिस की थी। एक फौजी होने की वजह से कॉटरेल वर्दी में दिखे धोनी से काफी प्रभावित हुए। आपको बता दें कि कॉटरेल ने जो वीडियो पोस्ट की है वो साल 2018 की है, जब महेंद्र सिंह धोनी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। धोनी ये सम्मान अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ आर्मी की वर्दी में राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति कोविंद को सलामी भी दी थी।
Camera guys, is anyone blocking here? Which one? This one? Sir, sir, please come. Please come. Firstly, sorry for the wait. बारिश बहुत है इसलिए हम लोग 15 मिनट लेट हो गए. Sorry. Guys, we are ready to roll. Okay, we have with us our captain and coach. Before we continue, please put your phones on silent. We'll take one question at a time. And if you want to ask a follow-up question, please raise your hands and we'll take a question only after you've raised your hands. Yeah? Please put your phones on silent. We'll take one question at a time. Okay, cameras, you're rolling, right? Okay. Yeah, Samir. I think it's a great thing, to be honest. We all were looking forward to it because, very honestly, we felt like there were a few series in between where, after, you know, such big tours, we felt like maybe, you know, a one-off test or a couple of tests were not apt for the moment. But I think this gives a lot of context to all kinds of cricket that we're going to play. And it's a great thing for Test cricket at this moment also, because we've been talking about for the last 2-3 years, regardless of how we have played as a team and the interest of the fans building because of that, you know, going for results and all that sort of stuff. Test cricket really needed a boost. So the players were always putting in the effort, but I think from a global point of view, it was important to have an incentive attached to Test cricket in a way which the Test Championship presents. And I think for all the cricketers involved now, even more, you know, every session, every game that you play will be more intense. There'll be more on the line. So it'll be challenging, but it'll be all the more exciting. And, you know, all the teams, I'm sure, are going to enjoy a lot through this whole journey of the Test Championship. Which are coming up, and also the ODIs. What's the focus going to be in the T20s, two T20s and the ODIs? You just spoke about the tests. Well, West Indies obviously is a great place to go and play cricket. It's a relaxed place. We've all enjoyed playing cricket there. The T20s, as you've seen, the squads, you know, when I met the selectors, the basic message from them was to try out a few players that they had in mind. And I think it's a very exciting opportunity for all the guys who are stepping in for the first time. The ODI side is more or less, you know, balanced. We've been doing really well. The test side, it's needless to say the kind of performances we have put in. So I'm particularly excited about the first three T20s, because, as I said, new lot of players coming in. Some players who've done really well in the format and shown great composure under pressure in tournaments like the IPL and domestically as well. So, yeah, it's a great marker, I think, for all those guys and for us as a team as well to have them in the squad. Sorry? Especially from the limited over series. Was I tempted to take a break? Right. And the other part is, was your decision to play the limited overs, like, how much was it to do with the fact that the World T20 is just around the corner of 50 odd ones, and India is playing an unprecedented 20 T20s in the next 6 months. See, our rest period is put on record. It's all on email to the board. It's done by the trainer and the physio together. So I don't know what report they have created. I honestly haven't seen it. They hadn't had any conversations with the players till that point of time. So in my mind, until the time the trainer and physio tell me now you need to rest and recover because your progress is such and such, because we collect all data from all games, and for some players the workload is more than the others. I averaged about 15 kilometers a game in the World Cup. So it really depends on those two professionals. You know, everyone's doing a job, everyone's been assigned a responsibility. So I don't know the communication that was sent out to the selectors, because nothing was communicated to me in terms of rest. Yes, from the point of view of us not making it through to the finals of the World Cup and bowing out, I think it's an important time for the team to regroup and come together as a side. As you said, there's a T20 World Cup next year. There's always, you know, something to look forward to.
I know we've all were very disappointed with not going through to the finals and probably winning the World Cup, but you have to move on and you have to accept defeat as well and move forward and look forward to new things. So as I said, new players coming in, it's an opportunity for them to establish their skill sets, for me as a captain to have new players in the side, you know, get them together. I think it's international cricket always presents you with opportunities and challenges, which I always look forward to.